गाइस, सो आज है हम लोग का पाइन शेक में डे टू। आज चेकआउट हो जाएगा। अभी बज रहे मॉर्निंग के 9। अभी मैं सो के उठी हूँ और बाहर आके देखा तो धीमे धीमे बारिश हो रही है और आगे ना लेक व्यू है ना, बहुत ही मस्त नज़ारा लगता है। सुबह सुबह ऐसे हमारे घर से मॉर्निंग होगी तो कितना अच्छा लगेगा, बट ऐसे जगह पे घर नहीं मिल सकता है। ऐसे जगह पे घर चाहिए तो हमारे पास इतना सारा पैसा चाहिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है बारिश में। इस तरीके के बारिश में गीले नहीं हो सकते, एकदम धीमी धीमी बारिश हो रही है, बट पासिंग शॉर्स जैसे बोलते हैं ना, वैसे शॉर टाइप का हो रहा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी हर दिन की मॉर्निंग ऐसे ही शुरू हो, बालकनी से इतना प्यारा व्यू हो, धीमी धीमी बारिश, ठंडा ठंडा मौसम, मस्त। कितने कप बना रहे हो? 2 कप ही डालो। पानी उबलेगा तो उड़ेगा ना? नहीं, टेस्टलेस हो जाएगा। और यहाँ पे ना अलग से सेटअप भी दिया हुआ है, फ्रिज के नीचे ऐसे बहुत अच्छा सेटअप है, पावर प्लग भी दिया हुआ है। अभी हम लोग चाय नहीं, हम लोग कॉफी पियेंगे क्योंकि ग्रीन टी की बैग्स रखी हुई है, बट कॉफी पाउडर भी है तो हमने सोचा कि कॉफी ही हमने पीना चाहिए। सो यहाँ रेवन बना रहे है कॉफी और उसके बाद हम लोग इंजॉय करेंगे बहुत अच्छे लेक व्यू के साथ में हमारी सुबह की कॉफी। तुमने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा, मेरे बोलने के बाद गाइस को गुड मॉर्निंग बोलोगे? क्योंकि कैमरा के पीछे मैं ही था। ब्यूटीफुल व्यू एंड वेदर के साथ हम लोग ने हमारा टी टाइम इंजॉय किया, साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ गप्पे भी लड़ा रहे थे क्योंकि सारी बालकनियाँ कनेक्टेड थी तो एक दूसरे से बात करना काफ़ी आसान था। और 10:30 बजे चेकआउट हम लोग ने किया तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो हम लोग अभी मुंबई रिटर्न जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम लोग आते हैं ना खड़कवासला डैम वाले, उसी रास्ते से हम लोग रिटर्न भी जा रहे हैं। और हम लोग को ऑन द वे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी अच्छी जगह नहीं मिल रही थी, फाइनली एक जगह हमें मिल गई अतुल्या रेस्टोरेंट करके। तो यहाँ पे हम लोग ने पेट भर के लंच टाइप वाला ब्रेकफास्ट किया, जैसे कि हम लोग इसे ब्रंच भी बोल सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में जितना भी ब्रेकफास्ट हम लोग ने मंगवाया था सारा खाना यमी था गाइस, बहुत ही हम लोग ने इंजॉय किया। शायद हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी इसलिए हमें सारी चीज़ें टेस्टी लगी हो, बट नहीं, रियल में ये बहुत ज़्यादा यमी हो रखा था। और देखिए एक फ्रेम में ना सारा ग्रुप अभी तक के नहीं आया था तो ये ब्रेकफास्ट टेबल पर ही सब के सब आ गए हैं, तो ये कैप्चर करना तो बनता ही था। और हमारे साथ छोटी सी बेबी भी गई थी जो अभी सोई है, नहीं नहीं ये जागी हुई है, इसके मम्मी पापा अलग से अपना खाना मंगवा रहे हैं और ये देखिए कैसे देख रही है। सो मैंने अपने लिए मंगवाया था मेदू वड़ा, मैक्सिमम लोगों ने पूरी भाजी खाई तो काफ़ी टेस्टी था। और मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मंगवाया था, ये भी काफ़ी यम था गाइस। और यहाँ पे ना हम लोग का ट्रिप ख़त्म होता है, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद इतने बड़े ग्रुप के साथ हम लोग बाहर घूमने गए थे। लाइफ में ऐसे छोटे मोटे ट्रिप्स करना चाहिए, वेकेशंस करना चाहिए, एक एनर्जी सा फील होता है। रिटर्न में हमें लोनावाला का फूड कोर्ट मिला, यहाँ पर हम लोग ने बर्गर वगैरह खाया, उसके बाद सब हम लोग हमारे घर लौट गए। तो ये था हमारा छोटा सा एक वेकेशन वाला वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसा ही प्यार मेरे वीडियोस को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज़।